काफी बार लोग माइग्रेन और साइनस हेडेक को सेम समझते हैं। साइनस और माइग्रेन सेम नहीं है, लेकिन दोनों के सिम्टम्स थोड़े बहुत सेम होते हैं, जिस कारण लोग इसे साइनस माइग्रेन भी कहते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि माइग्रेन और साइनस पेन के बीच क्या फर्क है और वो कैसे पता चलता है। माइग्रेन का सर दर्द ज्यादातर फोरहेड के टेम्पल्स में या फिर सर के पीछे होता है, लेकिन साइनस की वजह से आंखों के चारों ओर, नाक के चारों ओर या फिर सिर्फ जॉज में पेन होता है। यानी कि साइनस के कारण सर के बदले फेस के किसी हिस्से में दर्द होता है। धीरे धीरे साइनस का दर्द सर में चढ़ने लगता है, तब एक साइड पे सर दर्द महसूस करते हैं या कभी कभी दोनों साइड पे सर दर्द होता है। इसके पीछे की वजह है कि फेशियल नर्व्स में साइनस सेंसेशन होता है। काफी लोग को साइनस की तकलीफ पूरे साल भर होती है। साइनस से राहत पाने के लिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ली जाती है, लेकिन ज्यादा एंटीबायोटिक्स आपके हेल्थ पे साइड इफेक्ट्स करती है। इसीलिए आज मैं आपको साइनस मेम्ब्रेन के बेस्ट न्यूट्रिएंट्स बताऊंगी, जिससे साइनस की तकलीफ कम हो जाएगी। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेने से अच्छा है आप ऐसे न्यूट्रिएंट्स ले जो आपके साइनस मेम्ब्रेन को सपोर्ट करके साइनस की तकलीफ कम करेगा। चार की न्यूट्रिएंट्स है जो साइनस मेम्ब्रेन के लिए बेस्ट है। साइनस मेम्ब्रेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है विटामिन ए। विटामिन ए बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिएंट है जो आपके नाक के इनर स्किन को सपोर्ट करता है। विटामिन ए आपको कोड लिवर ऑयल या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल सकता है, जैसे पालक की सब्जी में विटामिन ए ज्यादा होता है। विटामिन ए के बाद जिंक रियोल की मिनरल जो हमारे अलग अलग इम्यून फंक्शंस में इन्वॉल्व रहता है। जिंक में वायरसेस को इनएक्टिव करने की पावर होती है। कुछ इन्फेक्शंस के लिए जिंक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इसीलिए अगर आपके बॉडी में जिंक की कमी होगी तो इन्फेक्शंस होने के चांस ज्यादा होते हैं। विटामिन ए और जिंक के साथ विटामिन सी भी मेम्ब्रेन के लिए उतना ही जरूरी होता है। विटामिन सी बहुत इजीली आपको रोज के लीफी वेजिटेबल्स में से मिल सकता है। हमारे इम्यून फंक्शंस विटामिन सी पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं। बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स को बीमारियों पे अटैक करने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, और वो है विटामिन डी। विटामिन डी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए जरूरी होता है, उसी तरह विटामिन डी साइनस मेम्ब्रेन के लिए भी जरूरी होता है। ऐसा कह सकते हैं कि विटामिन डी एक हार्मोन की तरह है। जैसे हमारे बॉडी में सब हार्मोन जरूरी होते हैं, उसी तरह विटामिन डी भी उतना ही जरूरी होता है। विटामिन ए, जिंक और विटामिन सी के साथ विटामिन डी भी साइनस मेम्ब्रेन के लिए अच्छा होता है। विटामिन डी नेचुरली सन से मिलता है। उसके सिवा आप विटामिन डी मशरूम और डेयरी प्रोडक्ट से भी ले सकते हैं। अगर आपको बार बार साइनस की तकलीफ होती है तो हो सकता है आपके बॉडी में इनमें से किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है। ये न्यूट्रिएंट्स साइनस मेम्ब्रेन से माइक्रोब्स को मारने का काम करते हैं, इसीलिए ये न्यूट्रिएंट्स जरूरी और साइनस मेम्ब्रेन के लिए बेस्ट है। अब साइनस मेम्ब्रेन से जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।